जल जीवन का एक नाम, जहां जल वहां प्राण का अस्तित्व। इस प्राणदायी जल के संकट से ग्रसित है पूरा विश्व। उपयोग के योग्य जल के अभाव के कारण जीवन संकट में पड़ गया है। पर्यावरण पर संकट गहरा हुआ है। कृषि के लिए संकट बन गया है जल का अभाव। उस संकट को और भयानक रूप दे रहा है भूसरण। इस स्थिति से लड़ रहा है पूरा विश्व, लड़ रहा है हमारा देश भी। इन संकटों से बचने के लिए बना है जल छाजन। हमारे देश में ये जल छाजन कई नामों से चला है, जैसे ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, हरियाली योजना, NWDPRA इत्यादि। इसके बाद आए हैं नाबार्ड द्वारा संचालित जल छाजन। दूसरा है इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, यानी IWMP। इसको हिंदी में समेकित जल छाजन प्रबंधन कार्यक्रम कहते हैं। इन जल छाजनों का मूल उद्देश्य है वर्षा के पानी को संग्रहित करना और पानी का नियंत्रित व्यवहार, साथ में भूसरण रोकना, कृषि योग्य जमीन का परिमाण बढ़ाना, उन्नत बीज तकनीक इत्यादि के माध्यम से उपज में वृद्धि इत्यादि भी है। जल छाजन से सिर्फ जल संरक्षण और भू संरक्षण ही नहीं, सर्वांगीण विकास की ओर ध्यान दिया जा रहा है। वाटर सेट को भी इंटीग्रेट करने की जरूरत है। सिर्फ सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन से काम नहीं होगा, इसमें दूसरे भी एक्टिविटी जो है, चाहे वो टेक्नोलॉजी देना हो, कैपेसिटी बिल्डिंग का हो, ट्रेनिंग्स हो, या प्रोडक्शन इन्हांसमेंट के लिए हो, या लैंडलेस के लिए काम हो, ये सबको इंटीग्रेट करना बहुत जरूरी है। और एक दूसरी जो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज जो हमको समझ में आया कि पार्टिसिपेटरी होना बहुत जरूरी है। सहभागिता जब तक सुनिश्चित नहीं करेंगे वाटर सेट सक्सेस नहीं होगा। तो ये दो मुख्य मुद्दा को लेके हमारी समझ बनी और हमने फंडिंग एजेंसी से बात करके कहीं ना कहीं पॉलिसी लेवल पे बदलाव लाकर और कुछ योजनाओं को पायलट बेसिस पे हमने बिहार में शुरू किया और उसी के आधार पे दूसरे स्टेट्स में भी हमने काम किया। और जल छाजन कार्यक्रम में यही जो है शारदा को दूसरे एजेंसी से अलग करती है। विभिन्न सरकारी विभागों के साथ साथ देश में जल छाजन कार्यक्रम को धरातल पर ला रहे हैं स्वयंसेवी संस्थाएं भी, जिनमें एक प्रमुख नाम है सोशल एक्शन फॉर रूरल डेवलपमेंट, यानी सारडा। 2001 में झारखंड के रामगढ़ से चलना शुरू किया था सारडा ने। आज देश के 3 राज्यों के 4 जिलों में जल छाजन कार्यक्रम चला रहा है सारडा। देश में जल, जंगल, जमीन, जन और जानवर के हित में सदा तत्पर है ये संस्था। सारडा द्वारा क्रियान्वित जल छाजन चल रहा है 3 राज्यों में। नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की जल छाजन विकास निधि से 2 जल छाजन चल रहा है मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के हरना नाला और झारखंड के सिमडेगा जिले के बोलबा में। जल छाजन के नियमों को पालन करते हुए जहां बेसलाइन सर्वे, मेड़बंदी, वाटर एब्जॉर्बिंग ट्रेंच, स्टोन आउटलेट, लूज बोल्डर चेक डैम निर्माण, घास लगाने का काम, स्वास्थ्य शिविर, एक्सपोजर विजिट, श्री विधि के डेमोन्स्ट्रेशन, स्वयं सहायता समूह और किसान क्लब के गठन इत्यादि किए गए हैं, जिससे ग्रामीण लाभान्वित हो रहे हैं। वाटर सेट में हमें प्रशिक्षण हुआ, उसमें हमें सभी की भागीदारी रही। 3 गांव के लोग इकट्ठा थे, उसमें सभी लोग अपने अपने विचार विमर्श किए और क्या करना है अपने को आगे चलकर, कि कहाँ से मेड़ बंधान करना है, कहाँ बोल्डर बांध करना है, कहाँ वृक्षारोपण करना है,
और कैसे अपने समिति को चलाना है, ये सारी योजना हमें प्रशिक्षण में बताया गया। हम चाहते हैं कि यहाँ पानी का स्तर ऊपर आना चाहिए, इसके लिए काम हो, भूमि का सुधार हो, अनाज का उत्पादन बढ़े, इसलिए यहाँ जल छाजन समिति का गठन किया गया है। जल छाजन परियोजना आने से 10% जमीन पर काम हुआ है, उसमें मेड़ बंधान हुआ, तालाब बने, डैम बने, और जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ कुएं भी बनना चाहिए। ऐसा होने से हमारा खेती का विकास होगा। ऊपरी सतह से जो पानी का बहाव होता है उन स्थानों में मेड़बंदी का काम किए और कुछ तालाब प्रस्तावित है जिनको किया जाना है। पहले पानी का बहुत ही यहाँ समस्या रहती थी, पानी का जल स्तर ऊपर आने लगा है और यहाँ पर जो अधिकांश श्रमिक जो है बांस कटाई, कूप कटाई और दूसरे जगह पलायन कर जाते थे, वो अब गांव में ही रोजगार मिलने के कारण वे बाहर नहीं जा रहे हैं। पहले बंजर भूमि था, उसे मेड़बंदी होने से हमको कुछ खेती करने में सुविधा हुआ, अभी फायदा भी मिला। सोशल एक्शन फॉर रूरल डेवलपमेंट यानी साडा द्वारा क्रियान्वित हो रहे हैं 3 समय के जल छाजन प्रबंधन कार्यक्रम, जिसका निधि आ रहा है झारखंड और महाराष्ट्र सरकार के ग्रामीण विकास विभाग से। 1 समय के जल छाजन प्रबंधन कार्यक्रम चल रहा है झारखंड के सिमडेगा जिले के पक्काटांड और सिमडेगा प्रखंड में। 2012 से 2017 तक चलने वाला ये समय के जल छाजन फैला हुआ है 5,394 हेक्टेयर में। 7 अनुजल छाजन में बटे इस जल छाजन से लाभान्वित हो रहे हैं 10 ग्राम पंचायत के 21 गांव में रहने वाले 13,636 लोग। आइए आपको दिखाते हैं इस समय के जल छाजन योजना का काम।
सिले सेंटर जल छाजन से शुरू हुआ और सिले सेंटर पिथरा महकोटोली में चलता है। 28 लड़कियां आते थे। जल छाजन आने से पहले मतलब कि जिस खेत में मतलब कि खेती नहीं होता था उस टाइप का खेती करने योग्य जमीन बन गया है। कुआं जैसे पीने वाला पानी का मतलब पानी घुस जाता था गंदा पानी, उसमें अभी ये हो गया है, मुंडेरा हो गया है, पीने योग्य पानी कुआं बना हुआ है। शुरू में तो जैसे लगा यहाँ पे कोई काम होगा ही नहीं, क्योंकि समझाने के अंतर्गत उससे बोला जाए तो कुछ ही बात को समझने को तैयार नहीं थे। इनको लग रहा सरकारी योजना है, यहाँ पे लोग आएंगे, हम लोग का जमीन का रजिस्ट्री वगैरह करके ले जाएंगे, जो सर्वे कर रहे हैं हम लोग का प्लॉट पे दखल कर लेंगे, ऐसे इन लोग का मानना था। लेकिन धीरे धीरे हम लोग मोबिलाइजेशन करते 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 आज ऐसे मुकाम पर पहुँचे हुए हैं ताकि हम लोग कभी कोई परेशानी नहीं होता है काम करने में। हम लोग कोई भी काम करते हैं तो गाँव वाले खुद ही एक्टिव होकर वो काम को सरल बना देते हैं। उग्रवाद क्षेत्र है फिर भी हम लोग को कोई परेशानी नहीं जाती है, क्योंकि यहाँ के लोग हर ग्रामीण लोग जो हैं कि किसी ना किसी क्षेत्र में जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन मिलता है उनको कि ये सोशल एक्शन फॉर रूरल डेवलपमेंट शारदा संस्था बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर काम कर रही है, जो कि ग्रामीणों का विकास के लिए ही ये कार्यक्रम किया जा रहा है, ना कि शारदा संस्था में पूरी फंड नहीं लेकिन पूरा उनका जो समिति है उसी में वो फंड दिया जाता है और काम के आधार पर ही उनको पेमेंट किया जाता है। सिमडेगा में चल रहा समय के जल छाजन ग्रामीणों के लिए उन्नत जीवन की एक दिशा बनके उभर रहा है। हम लोग को जल छाजन की ओर से 1500 मिला है, उसको महिला मंडल की समूह से पाल रहे हैं, उसके बाद में इसको बेच के बैंक में पैसा जमा करके कुछ आगे बढ़ाएंगे। और दो समय के जल छाजन को क्रियान्वित कर रहे हैं साडा, उसमें एक झारखंड के ही गुमला जिले में है। गुमला के पालकोट प्रखंड के 5249 हेक्टेयर में चल रहा समय के जल छाजन 6 अनु जल छाजन में बटा हुआ है। इस कार्यक्रम से 3 ग्राम पंचायत के 21,751 लोग उपकृत होंगे। मैंने शारदा द्वारा संचालित की जा रही जो हमारे IWMP के PI हैं, सिमडेगा की योजना को देखा है और इनके द्वारा जल छाजन के जो कार्य हैं वो किए जा रहे हैं। इन्होंने वृक्षारोपण किया है, मेड़बंदी की है और कुछ जो जल छाजन की योजनाएं हैं वो तैयार की हैं। मेरे विचार से कार्य संतोषप्रद है। महाराष्ट्र के जलगांव जिले के भूसावल प्रखंड में भी एक समय के जल छाजन को क्रियान्वित कर रहा है सारडा। तापी नदी के तट पर बसे कृष्णा मृतिका अंचल भूसावल विख्यात है केला, रुई और सोयाबीन के लिए। 2012 से 2017 तक चलने वाले ये समय के जल छाजन फैले हैं 6,995 हेक्टेयर में। DPR तैयार करने के बाद यहाँ प्रवेश बिंदु के तहत जिम में यंत्र दिए गए हैं, सोलर लैंप लगाए गए हैं। इसके अलावा भूसावल जल छाजन में जल छाजन समिति और स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है। सबसे अहम काम है जल छाजन से किया गया मेड़बंदी। साडा द्वारा संचालित जल छाजन के तहत जंगलों की रक्षा पर भी जोर दिया गया है। सिमडेगा और गुमला के साथ साथ मध्य प्रदेश के बैहार प्रखंड के हरना नाला में प्राकृतिक जंगल हैं। उसकी रक्षा के प्रति भी नजर दी गई है जल छाजन के तहत। झारखंड का सिमडेगा, गुमला हो या महाराष्ट्र का भूसावल, जल संकट के कारण रवि में लोग कम फसल लगा पाते थे, बरसात में भी पानी की कमी झेलनी पड़ती थी। अभी जल छाजन के भरोसे उन असुविधाओं के विरुद्ध जीतने की आशा कर रहा है किसान। वो दिन अभी दूर नहीं है जब काम के संधान में दूसरे राज्यों की तरफ पलायन कम हो जाएगा। जल छाजन से गठित महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बकरी, सुअर इत्यादि पालन करके अपने उज्जवल भविष्य का सपना देख रहे हैं जल छाजन इलाके की ग्रामीण महिलाएं, जो महिला सशक्तिकरण की राह में एक अहम पदक्षेप है। वंचित नहीं है पुरुष भी,
आजीविका के क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए सिमडेगा के बोलबा में ला की खेती के लिए भी प्रशिक्षण दिया गया है। वाटर सेट को हम इस रूप में देख रहे हैं कि कैसे वाटर सेट के माध्यम से सस्टेनेबल लाइवलीहुड क्रिएट करें। सिर्फ पानी का वहाँ संग्रह कर देने से, मिट्टी न कटे इसके लिए काम करने से नहीं होगा। इसमें टेक्नोलॉजी दे करके, बैंक का सपोर्ट करके और वहाँ पे मार्केटिंग को सुनिश्चित करके हम एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड के लिए जाएंगे, और यही वाटर सेट का अंतिम उद्देश्य है। इस उद्देश्य के लिए हम लोग हमेशा प्रयत्नशील और प्रयास करते रहेंगे। झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जल छाजन कार्यक्रमों को और शक्तिशाली बनाने के लिए सोच रहा है सोशल एक्शन फॉर रूरल डेवलपमेंट यानी सार्डा। आजीविका के क्षेत्रों में सुस्थायी व्यवस्था बनाना चाहती है ये संस्था। जल छाजन कार्यक्रम के माध्यम से विकास के एक नए क्षितिज के सामने खड़े हैं सिमडेगा, गुमला, बालाघाट, जलगांव के उस क्षेत्र की जनता जहां सार्डा द्वारा जल छाजन चलाया जा रहा है। हमने प्रयास किया कि कन्वर्जेंस पे बहुत फोकस किए कि एक तो वाटर सेट का जो मेन काम है वो तो चल रहा है, लेकिन साथ में गवर्नमेंट के दूसरे योजनाओं को भी यहाँ कन्वर्जेंस के किया जाए, डॉपटेल किया जाए, ताकि उनका ऑल ओवर डेवलपमेंट हो, चाहे वो शिक्षा का हो या रोड का हो या इलेक्ट्रिसिटी का हो या फिर स्कूल का हो या पीने का पानी का हो या इरिगेशन का हो या फिर बैंक से उनका एक संबंध बने ताकि समय समय पे लोन आसानी से मिले। तो सारे क्षेत्रों को मिला करके हमने काम किया। यही कारण है कि ये जो वाटर सेट हम लोग कहीं कहीं सफल अच्छा किए हैं उसका कारण यही है। लेकिन जल छाजन को सफल बनाने के लिए चाहिए किसानों की इच्छा शक्ति। जरूरी है जल, जंगल और भू संरक्षण के प्रति जागरूकता। किसानों को उस मुकाम पर पहुंचाने की शपथ ली है सार्डा ने।